हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पूनम सिंह रेसिपी। और आज पूनम सिंह रेसिपी में बन रहा है गोभी का पकौड़ा धनिया फ्लेवर का। तो हम फ्रेश हरा धनिया ले लिए हैं, इसको हम थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद हम इसमें और चीज़ मिलाएंगे। इसमें हम डाल देंगे जो धनिया पत्ती को पीस लिए हैं, कोर्सली पीसे हैं इसे, एकदम चिकना नहीं करना है। इसमें अब हम डालेंगे 1 सर्विंग स्पून चावल का आटा, 1 सर्विंग स्पून हम डालेंगे चना दाल का बेसन, 1 चम्मच हम डाल देंगे अदरक लहसुन काली मिर्च और लाल मिर्च का पेस्ट, 1/2 चम्मच डालेंगे छोटा वाला चम्मच से हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे नमक इसमें। अब सबको हम मिला देंगे अच्छी तरह से। इसमें पानी नहीं डालना है, गोभी के पानी से ही और धनिया पत्ती जो है पिसा हुआ उससे ही पूरा कोट हो जाएगा ये गोभी पर। देखिए कितना अच्छा से कोट हो रहा है। आप चाहें तो इस पर हल्का सूजी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं क्रिस्पी से होने के लिए। वैसे चावल के आटा से भी बहुत अच्छा क्रिस्प हो जाता है ये। तो देखिए कितना अच्छा कलरफुल सुंदर लग रहा है गोभी। अब इसको हम फ्रीज में अभी रखेंगे ताकि ये पानी नहीं रिलीज करे, नहीं तो फिर इसका कोट निकल जाएगा। तेल हम गर्म कर लिए हैं पकौड़ी फ्राई करने के लिए। गोभी का पकौड़ी है ये धनिया फ्लेवर। तो देखिए अब हम इसमें डालते हैं धीरे धीरे, एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। गोभी को ऐसे हम थोड़ा सा हाफ बॉयल कर लिए थे नमक और हल्दी डालकर, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा करके हम सारा पकौड़ी तल लेंगे। देखिए धीरे धीरे एकदम क्रिस्प होकर फ्राई हो रहा है गोभी का पकौड़ा। अब हम इसको पलट देंगे कि दूसरे साइड भी अच्छी तरह से ये क्रिस्प हो जाए। इधर कितना अच्छा गोल्डन हो गया है। ये इस सब चीज़ में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है पकौड़ा। और ठंडे के दिनों में चाय कॉफ़ी के साथ तो और स्वादिष्ट लगता है ये। गर्मा गर्म पकौड़ा खाइए और उसके साथ चाय कॉफ़ी लीजिए, शाम की चाय का क्या कहने। तैयार हो गया है पकौड़ा, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा क्रिस्प पकौड़ा हुआ है ये। अब हम सेकंड बैच डालेंगे इसमें। तो तैयार हो गया सेकंड बैच का भी पकौड़ा, और चलिए सर्व करते हैं और सॉस चटनी के साथ मज़े लेकर खाते हैं। निकाल लेते हैं इसको हम अब। तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए पकौड़ी का, गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी सॉस के साथ, और फोर्क में लगाइए, ये सीख से लगाइए और चटनी में डुबोइए, और उसके बाद मुंह में डालिए और स्वाद लीजिए। देखिए कितना अच्छा क्रिस्प पकौड़ा चटनी के साथ, आराम से खाइए। जिसको मीठा पसंद है मीठा चटनी के साथ खाए।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।